मध्य प्रदेश के देवास में सोनकच्छ क्षेत्र में एक लेरा माता जी के जंगल में काले सिंध नदी के किनारे मंगलवार दोपहर तेंदुआ दिखाई दिया। जब इस बारे में ग्रामीणों को पता चला तो लोग तेंदुए को देखने पहुंच गए। तेंदुआ सुस्त नजर आ रहा था, उसे ठीक से चला नहीं जा रहा था। ग्रामीण पहले तो तेंदुए को देखकर घबरा गए, लेकिन जब उसने कोई हरकत नहीं की तो लोग उसके साथ मस्ती करने लगे। कुछ लोगों ने तेंदुए को खिलौना ही बना दिया। वे फोटो लेने लगे, वीडियो बनाने लगे, कुछ ग्रामीणों ने उसके साथ सेल्फी भी ली। इतना सब तो ठीक था, लेकिन कुछ लोगों ने हदें पार कर दी। कुछ लोग तो उसकी सवारी तक करने लगे। शाम होते होते सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान उज्जैन से रेस्क्यू टीम भी आ गई। उज्जैन की रेस्क्यू टीम और देवास की वन विभाग की टीम ने तेंदुए का रेस्क्यू किया। वन विभाग के SDO संतोष शुक्ला ने बताया कि तेंदुए के शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं है। तेंदुए ने ज्यादा खाना खा लिया होगा या फिर वो बीमार होगा। रात भर तेंदुए को वेटरनरी डॉक्टर की निगरानी में दौलतपुर रेस्ट हाउस में रखा गया। सुबह उसे इलाज के लिए इंदौर चिड़ियाघर ले जाया गया, जहां पे डॉक्टरों ने उसका इलाज किया। स्वस्थ होने के बाद उसे फिर से जंगल में छोड़ दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वीनी टीवी भारत।